तो अभी हम जा रहे हैं अंशु का, अभी आप सभी को पता है शादी के पहले ना थोड़ा सा फेस वेस सही करवाना है, थ्रेडिंग वगैरह करवाना है, तो इसके लिए जा रहे हैं हम अंशु को लेके। अभी फ़िलहाल हम ही हैं, मम्मी अगर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मम्मी अभी थोड़ा सा गेस्ट आ गए हैं इसलिए बिजी है, तो मम्मी लेके जाओ, तुमको भी कराना होगा तो करवा लेना। और मम्मी से अभी पूछ लिए हम, फिर आने के टाइम में पूछ लिए, गाड़ी से जाने वाले थे लेकिन अब गाड़ी चला गया है, तो अंशु बोली कि ठीक है चलिए पहली बार अब यहाँ से हम जाएंगे ऑटो से, हमको थोड़ा अलग ही लग रहा है, मज़ा आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो थोड़ा वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आज अंशु और हम निकल गए हैं, बारिश भी हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मेरा सिंह निकल गया है, टोटो ले ली है, टोटो में थोड़ा सही भी लगता है, ऑटो में बहुत बैठा देते हैं अलग रूप में देखेंगे, और अभी अलग देख रहे हैं। अब निकल गए गाइस ऑटो से, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, लग रहा है सपना देख रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे निकले हैं ऑटो में, अच्छा लग रहा है, अलग ही लग रहा है ससुराल में ऐसे ऑटो से। ये गाइस, तो यहाँ पे ना हम पहुँच गए थे पार्लर में, और पार्लर में हमने सोचा ना कि थोड़ा सा जाके अंशु जिनका शादी है ना उनका थोड़ा सा फेशियल वगैरह जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो सही रहेगा, तो उनके साथ मैं भी गई थी, मम्मी से मैंने बोला था, पूछा था, और फिर अंशु भी बोली थी कि भाभी के साथ जाना है, मम्मी से, तो मम्मी बोली कि ठीक है तुम दोनों चली जाओ, तो फिर मैं मम्मी के पास गई और मम्मी से मैंने बोला, उसके बाद मैं पार्लर में आई, और पार्लर आने के बाद ही हमने कॉल किया था मम्मी को कि हाँ मम्मी पहुँच गए हैं, टाइम लगेगा इतना टाइम, 3-4 घंटा लगेगा, लेकिन ज़्यादा ही टाइम लग गया। तब तक अंशु का हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि वैसे हमारा थ्रेडिंग ज़्यादा दिन बनाए हुए नहीं हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं यार जल्दी से बनवा लेते हैं अपना थ्रेडिंग, हल्का फुल्का जो निकल रहा है, क्योंकि एक ही बार जब हेयर ग्रोथ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए हमने क्या किया अपना थ्रेडिंग बनवाना स्टार्ट कर दिया, और नाक से सिंदूर लगाया था तो मैं क्लीन भी नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा कि यार एक तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्लीन करने का, क्योंकि जब नाक से सिंदूर लगता ना तो इतना सुंदर दिखता है, तो इसीलिए हमने किया नहीं, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि फेस को क्लीन अप करना ही पड़ेगा तभी जाके होगा, अभी थ्रेडिंग बनवा के फिर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं गई और करवाई, बिल्कुल पता ही नहीं लगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे हेयर ग्रोथ हुए थे, इसीलिए क्योंकि मुझे जब यहाँ पे आना था उसके पहले ही हमने बनवाया हुआ था, और ये दीदी कैमरे में कैसे देख रही थी, अच्छा लग रहा है, और ये पार्लर वाली भी बहुत अच्छी हैं दीदी, इनका भी जो मेकअप होता है अच्छा होता है, तो उधर अंशु का मेकअप हो रहा था, इधर हम अपना करवा रहे थे, बातचीत भी हम लोग कर रहे थे, और हमको लग रहा था कि यार घर जाएंगे तो खाना भी बनाना है, अगर इतना लेट हो जाएगा, पहले ही मैं जाते जाते टाइम पूछ लेगी कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से जाने के बाद ना वहाँ पे 5:30 हो गया था क्योंकि ट्रैफिक था, 5:30 या 6 बज गया होगा, और उसके बाद से 5:30 हो गया था, और उसके बाद से पहुँचने के बाद मैं तो ढूँढने में टाइम लग गया कि यार है कहाँ पर इनका पार्लर, क्योंकि बहुत सारा पार्लर है, तो यहाँ का ना सिवान का एक्चुअली में मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मायका आसनपुरा है तो मैं वहीं का जानती हूँ ज़्यादा, अब सिवान में थोड़ा बहुत निकलना स्टार्ट की हूँ, आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं गई थी तो मम्मी बोली थी कि अब तुम लोग खुद से कर सकते हो, वैसे भी अब शादी कितने टाइम हो गए, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा शर्म आ रहा था जब मैं गई थी, मम्मी होती साथ में तो उतना नहीं आता, मेरे को लग रहा था कि मम्मी को भी आना चाहिए था, और मम्मी आती तो मम्मी का भी कुछ थ्रेडिंग वगैरह हो जाता, वैसे आप लोग देख रहे हैं एकदम मस्त हमारा काम हो रहा है, और हम लोग बातें भी कर रहे थे, पूछ रही थी कि आप कहीं पार्टी वगैरह में भी गई थी क्या, तो हमने बोला कि अरे पार्टी वगैरह क्या, अपने ही घर में हल्दी था, हल्दी में हमने ये वाले साड़ी पहनी थी और बहुत ही कम मेकअप किया था, तो थोड़ा सा अलग दिख रहा था सब लोगों का, हमारा थोड़ा फेस डल दिख रहा है ना, क्योंकि हमने सोचा कि यार
डेली मेकअप करने से शायद ख़राब होता है, और मेकअप हमारा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो होते हैं ना प्रॉपर तरीके से इंसान मेकअप का चीज़ रखता है, वो हमारे पास कुछ नहीं होता है। जो चीज़ हम आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि हाँ 3-in-1 फाउंडेशन, ये गुड वाइब्स का टोनर, मैं यही सारी चीज़ें यूज करती हूँ। मैं कोई इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो चाहे तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। और स्किन केयर आप लोगों को पता ही है, तो मैं वो मैक्योर स्किन का ही यूज़ कर लेती हूँ, जो कि होता है ना उसमें सनस्क्रीन होता है और डार्क सर्कल हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं वही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। जो कि आप सभी को पता है वो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरा बन गया अपना आईब्रो, और कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना। आईब्रो बनता है तो लड़कियों का फेस और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। वैसे मैं ज़्यादा सुंदर नहीं दी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सुंदर लग जाता है, सुंदर दिखती हैं लड़कियाँ। तो यहाँ मेरा थ्रेडिंग बन रहा है, आप लोग भी देखिए वीडियो को और खूब सारा इंजॉय कीजिए। और आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग के लिए अच्छी अच्छी ब्लॉग लाऊँ, ताकि आप लोग खुश रहो और आप लोग भी इंजॉय करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना परेशानियों में नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें भी टेंशन हो जाती है। तो अभी हम थ्रेडिंग बनवाने के बाद ना थोड़ा सा सोचे कि हेड मसाज करवा ले, हेयर स्पा करवा ले, हमारा बाल बहुत डैमेज हो रहा है। तो बस ये शैम्पू वगैरह जो भी होता है ये सारी चीज़ें लगा के ना थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल रहा है। मेरे सिर में वैसे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बैक साइड में, अभी लग रहा है कि कोई कितने दिनों के बाद मेरा ऐसे सिर दबा रहा है। अच्छा भी लग रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो बस अभी हमारा हेड मसाज हुआ है और उसके बाद से मेरा बाल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये कोई स्मूथ या फिर स्ट्रेटनिंग नहीं है, बस हेयर स्पा है। आज हमको बाल धुलना था लेकिन धुला ही गया किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ अंशु का भी थ्रेडिंग हो रहा है। अभी मम्मी का भी कॉल आया था कि कितना टाइम लगेगा, तो हम बोले कि मम्मी आधा घंटा, बस आधा घंटा अब लगेगा, थ्रेडिंग बन रहा है। मम्मी बोले थी खाना हम बना दें, फिर हम बोले कि नहीं मम्मी आ रहे हैं, तो क्या है कितने गंदे लग रहे हैं हम। ठीक है, इससे यहाँ पे हो गया है मस्त, मेरा हेयर धुला गया है बहुत अच्छे से, और अंशु का भी हो गया है मस्त फेशियल। कैसा लगा अंशु? सुंदर लग रहा है। तो फाइनली लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक के बिना ना फेस एकदम अधूरा लगता है शादीशुदा के बाद तो मेरा तो, और क्योंकि हम न्यूड कलर लगाते नहीं है, डार्क ही लगाते हैं। और मेरा बाल हो गया अब थोड़ा सा धुला गया अच्छे से। तो फाइनली आ गए हैं घर और अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। हे गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। दोस्तों, जो हमारी दुनिया है ना सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, और सबसे अलग वीडियो देखने को मिलता है। इस मनीषा की दुनिया पे ना बहुत सारी चीज़ों को हम शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बातें को हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अभी शाम का टाइम हो गया है और पति देव, पापा जी सभी लोग गए थे धान बांटने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। उसके बाद से जो कार है वो मिस्टर आज एजेंसी में गए हैं लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है कार को भी दिए हुए। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी बोले कि भूख लगी है, हम आएंगे तो खाना खाएंगे। तो आज हमको मार्केट भी जाना था यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे हम मार्केट जाने लगे हैं, तो काम है यहाँ पे, अंशु के लिए जाना था मार्केट। बाकी शाम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि शाम का टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इस टाइम से जाना सही नहीं रहेगा। एक तो ऑलरेडी बारिश जो ऐसा मौसम हो रहा है ना, तो बहुत जल्दी ये सब ऑटो वगैरह सारा कुछ इधर उधर चल जाता है। अब तो मिस्टर आ जा गए तो ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कार से भी जा सकते हैं और अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही बोलेंगे कि कुछ बोलने वाले थे यार, लास्ट में बोलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, मिस्टर आज कॉल किए कि खाना बना देना आलू का भुजिया, और अभी आलू का भुजिया बना दिए और चावल दाल है। चावल भी बोले थे बनाने के लिए, लेकिन उनके लिए चावल है, तो देखते हैं वो कब तक आते हैं, क्योंकि जो भुजिया है वो ठंडा भी हो गया है और अभी रूम पूरा सही कर दिए हैं। क्या है ना कि
बहुत कोशिश की इस रूम को अरेंज करने की, तब कुछ कर पाए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ सामान इधर उधर है और पहले से बहुत ज़्यादा गंदा भी निकला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी भी जिस साइड हम बैठे हैं उस साइड बहुत गंदगी फैली हुई है। तो आप लोगों को ना बहुत सारा कुछ बताएंगे और शादी में क्या वेयर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी आप लोगों से ना एक दो साड़ी भी दिखाने वाले थे, जो कि पूछना था कि कौन सा किस टाइम पहनना चाहिए। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा सजेस्ट करते हो, क्योंकि हम अपने मन से करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप लोग सजेस्ट करते हो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग ना सजेस्ट करना कि कौन सा कब पहनना सही रहेगा, क्योंकि अभी हल्दी मेहंदी मटकोर ये सारा कुछ बाकी है, तो इसमें अभी टाइम में वेयर कर लेंगे। अभी ब्लाउज़ वगैरह मुझे सारा स्टिच कराने के लिए देना है, तो मुझे पता है कि जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे आराम से दे दो, एक दिन में मिल जाता है स्टिच करके। क्योंकि हमने अभी जस्ट जिया सासुर के यहाँ जब हम गए थे तो वहाँ पे हमने सोचा था कि क्या पहनेंगे, तो एक दिन के अंदर हमने करवाया था ना स्टिच, और यहाँ हो भी जाता है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि चलो भाई हो ही जाएगा। बाकी मम्मी पापा चाय पी लिए हैं और बहुत ज़्यादा अभी बवाल हो रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके, जो कि हम लोग अभी उतना माइंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी शादी है, ब्याह है, और कोई कितना दिन तक ये सारी चीज़ों पर ध्यान देगा। इसीलिए अपना मस्त रहो, और हमको तो लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं दिक्कत होता ही है। तो यहाँ देखिए एक टेडी है, और ये टेडी ना पूजा दीदी को मिला हुआ था जब उनकी शादी भी अभी नहीं हुई थी, क्या पता शादी नहीं हुई थी कि हुई थी, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। और ये ना पूजा दीदी को मिला था, तो इसको अब हम रखते हैं अपने रूम में, बहुत क्यूट है, लेकिन रात में कभी कभी डरा भी देता है। तो बस बने रहिए आप लोग, आते हैं मिस्टर राज, कॉल करते हैं, फिर मिलते हैं।